सचिन दादा को मंत्री बच्चू भाई भगोने के कत्ल के इल्जाम में पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद इस अदालत में लेकर आते हैं। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए। तूने गाना सुनाया, अब शेर सुन। भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं, और ये तय है कि तेरी मौत की तारीख कभी टलेगी नहीं। हट हट पीछे हट। ये अदालत ताजिराते हिंद की दफा 302 के तहत काला शेट्टी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग सभी? तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास ही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत सारी नई और पुरानी मूवी की शूटिंग लोकेशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं एक और मूवी की शूटिंग लोकेशन के साथ। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 4 सितंबर 1998 के दशक में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम है गुंडा। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को गुंडा फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस फिल्म के सुपर स्टार लोगों के बारे में बताएँ तो दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य हीरो का किरदार निभाते हुए हम लोगों को मिथुन दादा नज़र आते हैं, जिनका इस मूवी में नाम होता है दोस्तों शंकर। जो इस मूवी में विलन का किरदार निभाए थे, उन लोगों के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं तो दोस्तों, उन लोगों का नाम है मुकेश ऋषि, जिन्होंने इस मूवी में विलन का किरदार निभाते हुए हम लोगों को नज़र आए थे। और दोस्तों, इनका इस फिल्म में नाम था बुल्ला। और हम लोगों को दोस्तों मोहन जोशी भी नज़र आते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका इस मूवी में नाम होता है पोते। ये भी विलन का किरदार निभाते हुए हम लोगों को नज़र आते हैं। इस मूवी में शक्ति कपूर भी नज़र आते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका इस मूवी में नाम होता है चोटिया। और आप लोगों ने इनका इस फिल्म का ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। इस मूवी में इशरत अली भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस मूवी में विलन का किरदार निभाए थे। और इनका इस मूवी में नाम था लंबू आटा। और हम लोगों को अम्मी रेड्डी भी नजर आते हुए देखने को मिलेंगे, और इन्होंने भी इस मूवी में विलन का किरदार निभाए थे, और इनका इस मूवी में नाम होता है काला शेट्टी। और दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी का वो वाला सीन तो देखा ही होगा, जब बुल्ला काला शेट्टी को मंत्री को मारने को कहते हैं, तो उसके बाद काला शेट्टी चाकू से मंत्री को मार देते हैं। तो दोस्तों, वो वाला सीन की शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी दूं तो दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूं अभी, उसी जगह पर वो वाला सीन को शूटिंग किया गया था। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी उस जगह पहुँच गया हूँ, जिस जगह को 4 सितंबर 1998 में आई मिथुन दादा की गुंडा फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाई दिया गया था। तो दोस्तों, ये वाला वही जगह है, और आप लोगों ने गुंडा फिल्म का वो वाला सीन तो देखा ही होगा, जब बुल्ला काला शेट्टी को कहते हैं दिल्ली से आए हुए नेता को मारने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद काला शेट्टी इसी जगह पर आकर, जो दिल्ली से नेता आए हुए होते हैं, उनको इसी जगह पर चाकू से मारते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को उसी सीन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो जानकारी के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस जगह के एड्रेस के बारे में बताता चलूं। तो दोस्तों, इस जगह का एड्रेस है विधानसभा, और ये दोस्तों आप लोगों को बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। एक बात और बताता चलूं कि दोस्तों, आप लोगों को गुंडा फिल्म में इसे विधानसभा और अदालत दिखाई दिया जाता है। गुंडा फिल्म का वो वाला सीन तो देखा ही होगा, जब दिल्ली से आते हैं मिनिस्टर साहब गाड़ी रोकते ना, तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को जो ये सामने हमारा भारत बना हुआ देखने को मिल रहा है, इसके नीचे देखो जो ये गेट के जैसा बना हुआ है दोस्तों, ये शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। और इसी जगह पर
नेता साहब आकर गाड़ी रोकते हैं तो वो वाला सीन ऐसा कुछ कर शूटिंग किया गया था। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को रोड के उस तरफ से खड़े होकर इस मूवी की शूटिंग लोकेशन दिखा रहा था और मैं अभी रोड की उस तरफ से इस तरफ के लिए आ चुका हूं और आप लोगों ने वो वाला सीन तो देखा ही होगा जब दिल्ली से मंत्री साहब आते हैं और आकर इस जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद गाड़ी से उतर कर पुलिस वालों के साथ इस तरफ से आगे की तरफ आते हैं। तो वो वाला सीन कुछ यहीं पर शूटिंग किया गया था जिसमें कि दोस्तों आप लोग ये जो सामने सीढ़ी बनी हुई है इसको भी आप लोग वीडियो की स्क्रीनशॉट में मैचिंग कर सकते हो और आप लोग गौर से देखोगे ना ये जो विधानसभा के अंदर जाने के लिए आप लोगों को सीढ़ी बनी हुई है और उसके साइड में देखना जो आप लोगों को पकड़ने के लिए रेलिंग्स बनाई गई है सिरमिट का वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी तरफ से मंत्री साहब आते हैं आगे की तरफ। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया गया था जब मंत्री अंदर से बाहर की तरफ आते रहते हैं और यहाँ पर ही जैसे आते हैं तो फिर गाड़ी में बैठे रहते हैं काला शेट्टी चाकू लेकर। तो गाड़ी से उतरकर काला शेट्टी जाकर मंत्री के गले को पकड़कर और उनके साथ जो पुलिस वाले रहते हैं उनको बोलते हैं चल हट और फिर मंत्री को पकड़कर यहाँ पर लाकर उनको चाकू से मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। तो वो वाला सीन आप लोगों को इसी दर पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है और आप लोग गौर से देखना जब चाकू मारते हैं मंत्री को काला शेट्टी ना तो आप लोग गौर से देखना ये जो पीछे का तीन मीनार बना हुआ है ये आप लोगों को तीन मीनार देखने को मिलेगा और जो ये आठ पिलर है आठ पिलर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा शूटिंग के दौरान। आप लोगों को एक बात और जानकारी के लिए बता दूं जो ये आप लोगों को ग्रिल देखने को मिल रहा है उस समय ये ग्रिल नहीं थी यहाँ पर दूसरी ग्रिल लगाई गई थी और इस समय इस ग्रिल को चेंज कर यहाँ पर नया लगाया गया है। तो इसी दर पर काला शेट्टी मारते हैं मंत्री साहब को फिर काला शेट्टी वहाँ से ऐसे भागते हुए और रोड के उस पार से इस तरफ के लिए आते हैं और जो आप लोगों को सामने ये हाई कोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों ये हाई कोर्ट भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा और इसी हाई कोर्ट की तरफ से भागते हुए जाते हैं काला शेट्टी और आप लोग ये वाला हाई कोर्ट आराम से मैचिंग कर सकते हो वीडियो में। जब यहाँ पर काला शेट्टी मंत्री को मारकर भाग जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ फिर वहाँ पर उनको मिलते हैं मिथुन दादा तो फिर मिथुन दादा काला शेट्टी को पुलिस वालों के हाथों पकड़ा देते हैं तो फिर उनको लेकर जाया जाता है अदालत में और अदालत फिर उनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो दोस्तों वो वाला अदालत इसी जगह को दिखाई दिया गया था और आप लोग आराम से ये वाला भी सीन मैचिंग कर सकते हो वीडियो की स्क्रीनशॉट में। और दोस्तों एक सीन और यहाँ पर शूटिंग किया जाता है जब मिथुन दादा को मंत्री बच्चू भाई भगोने के कत्ल के इल्जाम में पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद इस अदालत में लेकर आते हैं और इस अदालत में मिथुन दादा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाती है। तो वो वाला सीन इसी जगह पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है और जब उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाती है अदालत की तरफ से और उसके बाद फिर अंदर से पुलिस वाले बाहर की तरफ लेकर आते हैं मिथुन दादा को पकड़कर। फिर यहां पर आकर जैसे ही खड़े होते हैं तो इस जगह पर खड़े रहते हैं पुलिस वाले फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना और फिर मिथुन दादा बोलते हैं कि तूने गाना सुनाया है और अब शेर सुन भीगी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती और तेरी मौत की तारीख कभी टल नहीं सकती। तो वो वाला सीन इसी दर पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है जिसमें कि दोस्तों आप लोग ये वाला पीछे का एरिया मैचिंग कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस मूवी की शूटिंग लोकेशन इतना ही।